से बहुत से लोग यूनिवर्स की कॉस्मिक स्पीड लिमिट दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना चाहते हैं। नाउ लेट अस सपोज कि हमने फिजिक्स और इंजीनियरिंग के लॉज की डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद एक ऐसा रॉकेट डेवलप कर लिया है जो कि लाइट की स्पीड के नियर अबाउट मूव कर सकता है। लेट अस सपोज वो रॉकेट नेसेसरी इक्विपमेंट्स और अपने सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि फ्यूल के साथ टेक ऑफ करने के लिए अर्थ से रेडी है। नाउ टेक ऑफ के समय वो रॉकेट बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करेगा उस रॉकेट के इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए और उस रॉकेट की इनिशियल स्पीड को बढ़ाने के लिए। उसके बाद वो रॉकेट धीरे धीरे एक्सेलरेट करता जाएगा, अपनी स्पीड को बढ़ाता जाएगा। नॉर्मल स्पीड्स के ऊपर तो ये फिनोमिना बिल्कुल सिंपल रहेगा, यानी कि कुछ 1000 किलोमीटर पर सेकंड के ऊपर भी। बट जैसे जैसे वो रॉकेट एक्सेलरेट करता जाएगा अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वैसे वैसे उस रॉकेट का मास भी बढ़ता जाएगा और इनडायरेक्टली उस रॉकेट को प्रोपेल करने के लिए या और एक्सेलरेट करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी वो भी एक नॉर्मल एनर्जी से ज्यादा होगी। यानी कि जितनी ज्यादा स्पीड चाहिए होगी उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन, उतना ही ज्यादा उस रॉकेट का मास होगा, उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसकी स्पीड को और बढ़ाने के लिए। वेल ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वेट, यही तो एक प्रॉब्लम है। एक्चुअल में अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी या कोई भी ऐसा केमिकल फ्यूल प्रेजेंट नहीं है जो कि इतनी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमें दे सके या स्पेस शटल को लाइट की स्पीड के नियर अबाउट ट्रेवल कर सके। तो क्या इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी मैटर पार्टिकल्स, कोई भी ऐसी केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी या फील्ड्स प्रेजेंट है जो कि हमें उस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिलीवर कर सके जिससे हम लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट ट्रेवल कर सके? द आंसर इज बिग यस, एंड वो रहस्यमय चीज है द एंटी मैटर। अब एंटी मैटर की इस इनॉर्मस पावर को समझने के लिए हमें सबसे पहले एंटी मैटर को समझना होगा और एंटी मैटर को समझने के लिए हमें सबसे पहले मैटर को समझना होगा। इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में हर वो चीज जो फिजिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करती है या जिसका मास है वो मैटर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं, आप लोग, स्मार्टफोन्स, कार्स, माउंटेन्स, अर्थ, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये सभी चीजें मैटर की बनी हुई। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज अगर हम मैटर को जानते हैं तो इनडायरेक्टली हम एंटी मैटर को भी जानते हैं, बिकॉज एंटी मैटर इज अ मिरर इमेज ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो आपको अपनी रिफ्लेक्शन नजर आएगी। आपका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन मिरर की रिफ्लेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन बन जाएगा, यानी कि एक मिरर ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देता है बट ऑब्जेक्ट को सेम ही रखता है। वैसे ही एंटी मैटर मैटर की एक बिल्कुल ही मिरर इमेज है बट साइंस और चार्जेस दोनों के ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैटर के एक एटम में इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा तो साइमल्टेनियसली एंटी मैटर के एंटी एटम में इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन का नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि अगर कोई चीज मैटर की बनी है या एंटी मैटर की बनी है तब हम लोग उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो मैटर की बनी है या एंटी मैटर की बनी है। सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से ही हम उन चीजों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस यूनिवर्स में कई और जगह एंटी अर्थ, एंटी एप्पल या एंटी स्पीशीज प्रेजेंट हो सकती है जो कि हमारे जैसे मैटर की मिरर इमेज होगी बट एटॉमिक नेचर उनकी डिफरेंट होगी। नाउ एंटी मैटर के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज एनिहिलेशन। जब भी एक मैटर का पार्टिकल और एक एंटी मैटर का पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं या आपस में टच करते हैं तो एनिहिलेशन होता है, यानी कि एक ऐसी डिस्ट्रक्शन होती है जिससे वो दोनों पार्टिकल्स गायब हो जाते हैं और बचती है सिर्फ और सिर्फ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 ग्राम एंटी मैटर का पार्टिकल और 1 ग्राम मैटर का पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी एनिहिलेशन से इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जो कि जापान के हिरोशिमा पर गिराए न्यूक्लियर बॉम्ब से दुगनी होगी। बट सोचने वाली बात यह है कि साइंस के लॉज के अकॉर्डिंग कैसे 1 ग्राम ऑफ पार्टिकल में इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है? कौन सा ऐसा फिजिकल लॉ है जो कि मास की
कि इतनी छोटी सी फ्रैक्शन में इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकता है, या यूं कहें कि एंटी मैटर को इतनी ज्यादा पावर कैसे मिली। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें फिजिक्स की मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन देती है, दैट इज E=mc². अकॉर्डिंग टू E=mc², एनर्जी और मास दोनों इंटरकन्वर्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी पूरी तरह से मास में कन्वर्ट हो सकती है, जैसा कि इस यूनिवर्स के स्टार्टिंग बिग बैंग के समय में हुआ था, और साइमल्टेनियसली उतना मास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी में या इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी में रिलीज हो सकता है अकॉर्डिंग टू E=mc². नाउ E=mc² में अगर हम मास की वैल्यू 1 kg ले लें तो E=c² बचेगा, यानी कि 9×10⁻⁶ वॉट्स। अब इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सिर्फ 1 kg ऑफ मैटर में प्रेजेंट है, और ये मैटर कोई भी हो सकता है, यानी कि आपकी बॉडी का 1 kg मास या आपके आसपास कोई भी मैटर पड़ा हो उसके 1 kg ऑफ मास में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक साइंटिस्ट या हम लोग किसी भी तरह से उस पूरे के पूरे मास में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हार्नेस नहीं कर पाए हैं। टिल नाउ अभी तक हम सिर्फ 3% मास को ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए हैं इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स, विच इज वेरी डेंजरस। बट हियर इज अ कैच, अगर हम मैटर और एंटी मैटर को कोलाइड करवा दें, उस एनहाइलेशन से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो इनॉर्मस होगी, क्योंकि मैटर और एंटी मैटर का जितना मास होगा उतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि मास 100% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और E=mc² की इक्वेशन का पूरी तरह से यूज हो पाएगा, जो कि अब तक सिर्फ और सिर्फ थियोरी में है। बट प्रैक्टिकल में सिर्फ एंटी मैटर ही एक ऐसी चीज है जो कि इस इक्वेशन को पूरी तरह से पूरा कर सकता है, यानी कि 100% मास की एनर्जी को एंटी मैटर की मदद से ही हार्नेस किया जा सकता है। और अगर हम इसको एज अ फ्यूल यूज करने में पॉसिबल हो गए तो हम डेफिनेटली लाइट की स्पीड की नियर अबाउट तो ट्रेवल कर ही पाएंगे। टिल नाउ इतनी रिसर्च करने के बाद भी अभी तक हमें इस पूरे यूनिवर्स में एंटी मैटर की एग्जिस्टेंस का कोई भी प्रूफ नहीं मिला, इसीलिए साइंटिस्ट ने लैबोरेटरीज में यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में द लार्ज हैड्रन कोलाइडर में एंटी मैटर को बना लिया है। यस, उस लार्ज हैड्रन कोलाइडर में प्रोटॉन की दो बीम्स को 99% लाइट की स्पीड के साथ आपस में कोलाइड करवाया जाता है, जिस इंस्टेंट के ऊपर वो कोलिजन होता है उसी इंस्टेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर अचीव होता है, यानी कि वो कंडीशंस दोबारा सिमुलेट होती हैं जो कि बिग बैंग के समय में हुई थी, यानी कि जब फर्स्टली एंटी मैटर डेवलप हुआ था, और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एंटी मैटर के पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ट्रैप कर लिए जाते हैं। और इस प्रोसेस से अभी तक हम सिर्फ 15 एंटी हाइड्रोजन एटम्स को ही बना पाए हैं, जिसका प्रैक्टिकली यूज ना के बराबर है। बट एक होप है कि हमें एक ऐसा अल्टरनेट फ्यूल मिल चुका है, हमें एक ऐसा पावर सोर्स मिल चुका है जो कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है, और शायद हमारे टाइम ट्रेवल के या हमारे समय यात्रा के सपने को पूरी तरह से साकार कर सकता है, या हम कभी लाइट की स्पीड के नियर अबाउट तो ट्रेवल कर पाएंगे अगर हम इस एंटी मैटर की पावर को पूरी तरह से हार्नेस करने में या उस एनहाइलेशन को कंट्रोल करने में पॉसिबल हो जाए। एज फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयदीप सिंह फ्रॉम विंसी साइंटेक यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपको अभी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कॉन्टेंट इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं ऐसी बहुत सारी साइंस और लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस के बारे में बात होती है।